फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th के कंप्यूटर में जो पहला चैप्टर है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स उसकी तीसरी वीडियो देखेंगे, मतलब तीसरा लेक्चर देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, मतलब आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी काम में आते हैं, हम उन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से नेटवर्क हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितनी उनकी रेंज है, कहाँ तक वो फैले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे जो कुछ मेन नेटवर्क्स हैं वो हैं, पहला है लैन, मैन, वैन, पैन और कैन। इन पांच नेटवर्क्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो आप लोग हो सकता है हायर स्टडीज में पढ़ें, लेकिन इस सिलेबस में जो आप लोगों की किताब दे रखी है उसमें केवल ये पांच नेटवर्क्स के बारे में बात की गई है, तो हम लोग भी इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नेटवर्क लैन के साथ। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब किसी भी नेटवर्क का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब कोई भी नेटवर्क हो आपका, चाहे लैन हो, वैन हो, मैन, पैन, कैन, सैन, जो भी हो नेटवर्क, वो आपका लैन से स्टार्ट होता है। मतलब कि स्टार्टिंग जो बेसिक नेटवर्क होता है उस वही बेसिक नेटवर्क क्या है, लैन। ठीक है, जैसे किसी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है पढ़ाई का वो क्या होता है, ABCD लिखना, छोटा बड़ा लिखना, इसी तरीके से नेटवर्क्स का जो लैन वो है, नेटवर्क्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, लैन। लैन जो है कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें जो बीच में कनेक्टेड है वो है सर्वर, और इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हैं क्लाइंट्स। ठीक है, तो एक चीज से बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और बाकी सारे कंप्यूटर्स के लिए इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, इससे इसको हम क्या बोलेंगे, लैन। लैन में जो है कैन कनेक्ट अप टू 100 कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ केबल्स। जो लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें हम कम से कम या 100 कंप्यूटर्स तक हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, मतलब केबल्स को फैला फैला कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करना है तो हम लोग केबल्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए, ठीक है, सर्वर से। तो एक बार में या एक नेटवर्क में, एक छोटे लैन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लैन्स आर यूज्ड विद इन द बिल्डिंग्स और ऑफिसेस। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनमें क्या यूज होता है, लैन्स। जैसे एक स्कूल है, जैसे आपका स्कूल है, एसकेडी पब्लिक स्कूल है, उसमें जो कंप्यूटर्स लगे, कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर रखे गए हैं वो सब कैसे कनेक्टेड हैं, वो सब लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं। उनमें जब नेटवर्क चलाया जाता है तो वो एक बार में चारों पाँचों में नेटवर्क में चलता है, चार पाँच कंप्यूटर में या 10-12 में कंप्यूटर में चलता है, वो सब जितने भी कंप्यूटर्स में एक बार में इंटरनेट चलता है वो सब कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, लैन से। क्लियर है, इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लैन से कनेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे कि एक बार में इंटरनेट में चल सकें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कभी कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट खरीदा जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। अब वैन क्या है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। लैन जो हमने पढ़ा था उससे ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, मैन्स आर यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल बिल्डिंग्स। जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये अलग अलग बिल्डिंग्स में यूज होता है। ठीक, जैसे कि ये है, मान लो चार बिल्डिंग्स हैं, एक बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी है या कोई क्या कॉलेज है बहुत बड़ा, उसकी चार बिल्डिंग है, चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में उनका अपना अपना लैन है, हर बिल्डिंग में अपना अपना लैन है, लेकिन वो चारों की चारों बिल्डिंग किससे कनेक्टेड है, एक नेटवर्क से, और उस नेटवर्क का नाम क्या है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उस नेटवर्क का नाम क्या है, मैन। समझ में आ रहा है, एक ही जगह पर अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग है और उन सब बिल्डिंग्स में सेम नेटवर्क चल रहा है तो उन सारी बिल्डिंग्स को कौन कनेक्ट करता है, मैन। क्लियर, अ मैन इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लैंस। अब मैन बनता कैसे है, मैन बनता है लैंस को कनेक्ट करके, लेकिन लैंस कैसे कनेक्ट होंगे, जब पूरे की पूरी बिल्डिंग में एक लैन चल रहा होगा तो उस बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के संग कनेक्ट करेंगे, वो कैसे कनेक्ट होगा, वो मैन के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे आप लोग इस पिक्चर में देखेंगे कि ये एक तो ये हॉस्पिटल है, ठीक है, ये हॉस्पिटल में लैन लगा हुआ है, एक ही फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लैन लगा हुआ है, ये एक प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस में लैन लगा हुआ है, ये एक सोसाइटी है, घरों की कॉलोनी है, यहाँ पे लैन लगा हुआ है। तो ये जो चारों चार अलग अलग जगह पर जो लैन लगे हुए हैं, इन सारे लैंस को किससे कनेक्ट किया गया है, मैन के थ्रू। समझ में आया आप लोगों को, इस तरीके से मैन वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन में कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होती, इसका मतलब ये दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। वैन ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है।
मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में एक ऑफिस मेरा दिल्ली में है, दूसरा मेरा कलकत्ता में है, तीसरा मेरा ऑफिस लंदन में है और चौथा मेरा ऑफिस जापान में है, तो उन चारों ऑफिस को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? वैन के थ्रू। समझ में आ रहे हैं? मतलब उन चारों ऑफिस में तो अलग अलग अपना नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन उन चारों ऑफिस का डेटा अगर मैं एक जगह पे मंगाऊंगा तो कैसे मंगाऊंगा? वो मंगाऊंगा वैन के थ्रू। इसीलिए वैन यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसी तरीके से यूज होता है और इसी का यही कारण है कि वैन को बनाया गया। कैन कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकते हैं वैन के थ्रू। वैन इज यूज्ड अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज, एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करने के लिए, जैसे हाथरस को अलीगढ़ से कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज होगा, हाथरस को आगरा से कनेक्ट करने के लिए भी वैन का यूज होगा, दिल्ली को कलकत्ता से, जो कि बहुत बहुत दूर है, दिल्ली मुंबई जैसे शहर बहुत दूर है, दिल्ली कलकत्ता जैसे बहुत शहर बहुत दूर है, इनको कनेक्ट करने के लिए भी कैसा किस चीज़ का यूज होता है? वैन का। सिटी तो हुई बात सिटीज की, अब कंट्रीज में इंडिया को जापान से कनेक्ट करने के लिए वैन, इंडिया को अमेरिका से कनेक्ट करने के लिए वैन, इंडिया को ब्रिटेन से कनेक्ट करने के लिए वैन, इंडिया को जर्मनी से कनेक्ट करने के लिए वैन। इसलिए सारे कंट्रीज में क्या होता है? वैन होता है। इसीलिए पूरे देश में फैला हुआ, पूरी दुनिया में फैला होता है वैन। नेक्स्ट हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसे नाम से क्लियर है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ये हम लोगों का खुद का नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ पर्सनल डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया, मतलब कि लिमिटेड एरिया में, किसी एक लिमिटेड एरिया में हम लोग क्या करते हैं? खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। इसकी इमेज जो देखिए इस तरीके से है, ठीक है। मान लो एक कंप्यूटर बीच में जो रखा है, कंप्यूटर वो मेरा कंप्यूटर है, उससे मैंने क्या करा? एक हॉटस्पॉट जनरेट करा, ठीक है, हॉटस्पॉट जनरेट करा। अब हॉटस्पॉट जनरेट करने के बाद मैंने क्या करा? एक मैंने लैपटॉप कनेक्ट करा, उसके बाद एक प्रिंटर कनेक्ट करा, ब्लूटूथ वाले मैंने कीबोर्ड माउस कनेक्ट किए, टेलीफोन कनेक्ट किया, दूसरे फोन और टैबलेट्स कनेक्ट किए, ब्लूटूथ कनेक्ट किया, हेडफोन कनेक्ट किया। अब एक ही कंप्यूटर से, एक ही हॉटस्पॉट से मैं इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो सब चीज़ें किसकी हैं? वो सब मेरी चीज़ें हैं, मेरा खुद का एक नेटवर्क है कि मैं इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ एक ही बार में, तो ये क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये लैन से तो बड़ा होता है लेकिन मैन से छोटा होता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। मेड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ लैंस विद इन अ लिमिटेड एरिया, ठीक है, मतलब लैंस को इंटरकनेक्ट कर देंगे हम, दो या दो से ज्यादा लैंस को जब इंटरकनेक्ट कर देते हैं लेकिन किसी एक लिमिटेड एरिया में। कैंपस एरिया नेटवर्क की एक ही प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड एरिया में है, अगर यहाँ पे लिमिटेड एरिया ना हो, अनलिमिटेड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन, लेकिन इसमें लिमिटेड एरिया की वजह से क्या कहलाता है? ये कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इसकी एक इमेज देखो, एक कॉलेज है, उस कॉलेज में लाइब्रेरी है एक तरफ, एक तरफ हॉस्टल है, एक तरफ कॉलेज है। अब ये तीनों बिल्डिंग्स किससे कनेक्टेड हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क से, ठीक है। ये तीनों बिल्डिंग्स किससे कनेक्टेड हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क से। बड़ी जगह के अंदर कैंपस एरिया नेटवर्क लगता है, और इससे भी कैंपस से वाले, कैंपस वाले एरिया से भी जब बड़ी जगह हो जाती है, जैसे सिटी हो गया, एक सिटी में अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत अलग अलग बिल्डिंग, वो किससे कनेक्ट होंगी? मैन से। क्लियर है? कैंपस एरिया जो किसी कॉलेज में, कैंपस में एक बाउंड्री खींची होती है, बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये लिमिट है कि इसके बाहर कैंपस खत्म हो जाता है, इसलिए कैंपस एरिया नेटवर्क एक कैंपस के अंदर यूज होता है। क्लियर है? इतना ही इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू, इसके जो आगे का लेक्चर होंगे, आगे के टॉपिक्स होंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।